ओके ज्यादा टाइम आज वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल एकदम स्टार्ट होने ही वाला है और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बेस्ट डील्स के बारे में बताने वाला हूँ। व्हाट द हेक इज गोइंग ऑन फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकी रिकॉर्डर की तरफ से और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और भाई आईफोन 12 13 का डील कवर नहीं करने वाला, सभी वो कवर करे। चलिए इस वीडियो में दोस्तों हम बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 10,000 रुपीज के बारे में बात करते हैं बिकॉज बजट वालों के लिए भी किसी को सोचना पड़ेगा। मैंने सोचा और मैंने यहाँ पर 6 बेस्ट हैंडसेट को पिक किया है एंड इन माय ओपिनियन आपको इनको छोड़ के किसी भी और ऑप्शन की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। सभी प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यूज कर लेना। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं जो एकदम बेसिक स्मार्टफोन चाहते हैं जिनका बजट एकदम मिनिमम है और उनको यहाँ पर परचेज करना चाहिए इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 HD। ट्रस्ट मी गाइस, एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, मेरे चैनल में रिव्यू भी अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ये आपको अराउंड 6,200 रुपीज में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप कार्ड ऑफर लगाते हो देन ये आपको अराउंड 5,300 रुपीज में मिल जाएगा। और इस प्राइस में आपको मिलता है मीडियाटेक हीलियो A22 का प्रोसेसर, 2GB रैम है, 32GB स्टोरेज है, डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट बाय द वे आपको मिल जाता है, 5000 mAh का बैटरी है, 6.6 इंच का लार्ज डिस्प्ले और कैमरा भी एक्चुअली प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छा, मैंने इसको यूज करके देखा है। और गाइस फोन भी एक्चुअली देखने में बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल भी देखिए एक बजट स्मार्टफोन नहीं लगेगा। तो मैं आपको एकदम 100% रिकमेंड कर सकता हूँ, अगर आपका बजट मिनिमम है देन इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 HD आप इजीली यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। अगेन रिव्यू आप चैनल में जाके चेकआउट कर लेना। बट चलिए फिर भी इन्फिनिक्स का ब्रांड नेम अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देता है देन इसका एक्चुअली एक काफी अच्छा ऑल्टरनेटिव है जो कि एक न्यू स्मार्टफोन है और ये है Redmi A1। इसका प्राइस है अराउंड 6,500 रुपीज, लेकिन कार्ड ऑफर लगा कि आपको अराउंड 5,900 रुपीज में मिल जाएगा। और ये बहुत ही खूबसूरत स्मार्टफोन है, आई मीन जब आप इसको होल्ड करोगे बिल्कुल भी एक बजट स्मार्टफोन नहीं लगेगा, हल्का सा लेदर टाइप आपको फिनिश मिलता है और यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी स्पेक्स एक्चुअली सिमिलर है पिछले फोन जैसा। बट यहाँ पर एक मेजर एडवांटेज आपको ये मिलता है कि इसका जो UI है वो ऑलमोस्ट नियर टू स्टॉक एंड्रॉइड है, यानी कि कोई भी आपको फालतू के यहाँ पर जंक एप्स नहीं मिलेंगे, ऐड वगैरह का कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा, एकदम बेसिक स्मूथ UI एक्सपीरियंस आपको इस फोन से मिल जाएगा। तो डेफिनेटली बहुत ही, अगर आपका बजट कम है और अगर आप एक अच्छे ब्रांड के साथ जाना चाहते हो देन Redmi A1 आप कंसिडर कर सकते हो। बट चलिए एज्यूम कर लेते हैं कि ब्रांड नेम की तरफ आप उतना नहीं देखते हो, स्टॉक एंड्रॉइड से भी आपका कोई भी मतलब नहीं है और आपको चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टोरेज, तो इसके लिए गाइस आप इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 को यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। और इसका जो स्पेक्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है और इस प्राइस में कोई और स्मार्टफोन गाइस आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑफर नहीं करता है। तो इसीलिए मैंने इस स्मार्टफोन को पिक किया बिकॉज एक्स्ट्रा स्टोरेज तो आपको मिलता है, साथ में इंपॉर्टेंट चीज़ फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको दिया गया है। तो अगर आपका बजट अराउंड 6,500 रुपीज़ है जो कि इसका सेल प्राइस है, लेकिन अगर आप कार्ड ऑफर लगाते हो देन ये आपको अराउंड 6,000 रुपीज़ के नीचे मिल जाएगा और मुझे लगता है उस प्राइस में एक बहुत अच्छा डील होगा। ओके, अब इसके बाद जिस फोन के बारे में मैं बात करने वाला हूँ इसको मैं एक सर्वगुण संपन्न ऑलराउंडर बजट स्मार्टफोन कहना चाहूंगा बिकॉज स्पेक्स सुन लीजिए। बाय द वे ये स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले, इसका भी रिव्यू हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ये आपको अराउंड 8,200 रुपीज़ में मिल जाएगा बट कार्ड ऑफर लगा के आपको अराउंड 7,200 रुपीज़ में मिल जाएगा। स्पेक्स सुन लीजिए, 4GB रैम है, 64GB इंटरनल स्टोरेज है, यूनिसॉक का T610 प्रोसेसर और भाई परफॉर्मेंस इसका बहुत ही एक्चुअली सॉलिड है, ऑलमोस्ट आपको अराउंड G70 G80 के लेवल का आपको परफॉर्मेंस मिल जाता है। 6.82 इंच का लार्ज डिस्प्ले मिल जाता है बट साथ में 90Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट दिया गया, तो काफी स्मूथ एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर होने वाला है। प्रीटी डिसेंट कैमराज मैं कहूंगा, मैंने इसको यूज करके देखा है, फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिल जाता है, 6000 mAh का बैटरी लाइफ मिलता है, भाई बैटरी बहुत ही सॉलिड है बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली USB Type-C पोर्ट दिया गया है। तो इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि ये एक्चुअली एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, मतलब कोई कौन मैं इस फोन से निकाल ही नहीं सकता, इजीली आप इसको पिकअप कर सकते हो, बहुत ही अच्छा डील है, आपको सभी स्पेक्स यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले आई थिंक बजट में बहुत ही अच्छा डील है। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ उस स्मार्टफोन को लेके जो कि इस पूरे लिस्ट में मेरा बेस्ट पिक है और यह है पोको M4 Pro 4G और ये यूजुअली गाइस 15,000 रुपीज़ में मिलता है बट ड्यूरिंग सेल ये आपको 11,000 रुपीज़ में मिल जाएगा और कार्ड ऑफर लगा कि ये आपको अंडर 10,000 रुपीज़ में मिल जाएगा। और भाई स्पेक सुन लो, मीडियाटेक का हीलियो G96 प्रोसेसर, 90Hz फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले, भाई AMOLED डिस्प्ले आपको अंडर 10,000 रुपीज़ में मिल रहा है, 5,000 mAh का बैटरी है और 33W का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है। और भी अच्छी बात यह है कि आपको एक बहुत ही अच्छा कैमरा सेटअप मिलता है, आई मीन बेस्ट कैमरा परफॉर्मेंस अंडर 10,000 अगर मैं सेल प्राइस को यहाँ पर कंसिडर करूँ और डेडिकेटेड अल्ट्रा वाइड कैमरा भी आपको मिल जाता है। तो भाई क्यों किसी और फोन की तरफ आप देखोगे अगर आपका बजट है अराउंड 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ में भाई
पोको M4 Pro 4G को छोड़ के मैं किसी भी और फ़ोन को एक्चुअली यहाँ पर इससे ज़्यादा सजेस्ट नहीं कर सकता। बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, इसका रिव्यू हमारे चैनल पर अवेलेबल है, एक्चुअली 3 वीडियो है इस स्मार्टफोन के ऊपर, तो जाके चेकआउट कर लेना भाई, बहुत ही अच्छा डील है। ओके आई गॉट इट, आप में से बहुत सारे लोग पोको ब्रांड के साथ नहीं जाना चाहते, मे बी आप MIUI लाइक नहीं करते हो, देन आपके लिए गाइस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो है मोटो G31 और ये एक्चुअली आपको अंडर 10,000 रुपीज़ में मिल जाएगा। यूजुअली 10,500 रुपीज़ का है, बट कार्ड ऑफर लगा के 10,000 रुपीज़ के नीचे आ जाएगा और ये बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है बिकॉज यहाँ पर भी आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। हाँ 60 हर्ट्ज का है बट अच्छी क्वालिटी का एमोलेड पैनल मिल जाता है, फुल एच डी प्लस वाला। MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर है जो कि काफ़ी पावरफुल है एंड ऑलमोस्ट क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस आपको मिलता है, तो कोई भी ब्लोटवेयर्स ऐड का यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगा और इस फोन में भी आपको एक अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है डेडिकेटेड। तो ये भी मुझे लगता है काफ़ी अच्छा ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, अगर आप पोको के साथ नहीं जाना चाहते हो देन आप मोटो को यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो, G31 विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। लेकिन गाइज अगर इनको छोड़ के भी आपका कोई अलग रिकमेंडेशन है देन प्लीज कमेंट्स में बाकी लोगों की मदद करो और हाँ प्लीज वीडियो को लाइक कर देना बिकॉज बहुत ही जल्दी मैं लैपटॉप डील्स के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ। तो आपका दिन शुभ रहे, मिलता है अगले वीडियो में, पीस।